हमने लिया है 1 किलो चिकन और अब चलिए इसकी मैरिनेशन की तैयारी करते हैं। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हम लोग डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और जरा सा फूड कलर, ये ऑप्शनल है। तकरीबन 3 चम्मच दही का इस्तेमाल किया है और 1/2 नींबू का इस्तेमाल किया है मैरिनेशन करने के लिए। फिर इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लीजिए और जब आपको लग जाए कि मसाला हर तरफ लग चुका है चिकन में, तो 1/2 घंटे के लिए इसको ढक कर रख दीजिए। वैसे आप ज्यादा टाइम देंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। तो चलिए अब हम लोग मसाला बनाने की तैयारी करते हैं। हमने ली है तकरीबन 5 बड़ी प्याज, तकरीबन 3 बड़े टमाटर, 1 बड़ा लहसुन, थोड़ी सी अदरक और 4 हरी मिर्च और 1/2 कटोरा हमने काजू लिया है। काजू आप कम ज्यादा कर सकते हैं। हम चिकन इंडक्शन पे बनाने जा रहे हैं। एक बर्तन को गर्म करिए और उसमें डालिए 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल और उसके बाद तकरीबन 1/2 चम्मच अमूल बटर। आप बटर कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने अमूल बटर इस्तेमाल किया है। बटर और रिफाइंड ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें छोटा चम्मच जीरा डालिए और जीरे के चटकने का इंतजार करिए। कुछ ऐसे चम्मच चलाते रहिए वरना जीरा जल भी सकता है। जब सब कुछ गर्म हो जाए, जीरा आपका चटक जाए और उसके बाद जो हम लोगों ने प्याज काटी है वो हम लोग इसमें डाल देंगे फ्राई करने के लिए। जब आपकी प्याज पिंकिश ब्राउन दिखने लगे तो समझ लीजिए आपकी प्याज तैयार है। तो जब आपकी प्याज तैयार हो जाए तो जो आपने अदरक लहसुन मिर्च काट के रखा था आप वो सारी चीजें प्याज में मिला दीजिए और फिर काजू डालने के बाद अच्छे से मिक्स करिए। इन सारी चीजों को फ्राई होने में तकरीबन 2 से 3 मिनट का समय लगेगा और जब ये सारी चीजें फ्राई हो जाएं तो आखिरी में टमाटर डालिए। टमाटर आखिरी में इसलिए डालते हैं क्योंकि टमाटर बहुत नाजुक होता है और सबसे ज्यादा जल्दी तैयार हो जाता है। फिर टमाटर को गलाने के लिए जरा सा नमक का इस्तेमाल करिए और अगेन मिलाते रहिए। थोड़ा सा पानी डालिए ताकि आपका मसाला नीचे से जले नहीं। पानी डालने के बाद कुछ देर का इंतजार करिए, तकरीबन 5 मिनट का। 5 मिनट के बाद आप पाएंगे कि आपका मसाला फ्राई हो चुका है। अगर आपको पता करना है कि आपका मसाला तैयार हुआ है या नहीं तो चम्मच की मदद से जरा से टमाटर को पीस के देख लीजिए। अगर आसानी से पिस रहा है इसका मतलब है कि आपका मसाला तैयार हो चुका है, जो कि पीसे जाने के लिए तैयार है। अब इन सारे मसाले को एक अलग बर्तन में निकाल के रख देंगे, या तो रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लीजिए और अगर आपको जल्दी है तो फ्रिज में रख दीजिए। अब उसी बर्तन को हम लोग फिर से गर्म करेंगे जिसमें हम लोगों ने मसाला तैयार किया था और इसमें डालेंगे अपने चिकन को फ्राई करने के लिए थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और 1 चम्मच बटर, क्योंकि भाई हम लोग बटर चिकन बना रहे हैं तो बटर का इस्तेमाल तो होगा ही। जब ये गर्म हो जाए तो इसमें डालिए तकरीबन 1 छोटा चम्मच जीरा, थोड़ी सी कसूरी मेथी और जैसे ही एक अरोमा निकलने लगे यानी कि खुशबू, वैसे ही आप लोग अपना चिकन जो आप लोगों ने मैरिनेट करके रखा था वो इसमें डाल दीजिए और अच्छे से फ्राई कर लीजिए। बस बर्तन को ढक के रख दीजिए महज 2 मिनट के लिए ताकि सारी खुशबू अंदर ही रह जाए। 2 मिनट के बाद जब अपना चिकन आप देखेंगे तो इसमें एक अलग सी खुशबू पाएंगे। बस थोड़ा थोड़ा सा चलाते रहिए ताकि आपका चिकन हर तरफ से फ्राई हो जाए। तो जो मसाला आपने तैयार किया था अब वो ठंडा हो चुका है और पीसे जाने के लिए तैयार है। मिक्सर की मदद से हम लोग इन सारे मसालों को पीस लेते हैं। जब मसाला हमने जार में डाल दिया तो 4 चम्मच दही का इस्तेमाल किया और यकीन मानिए दही आपका बिल्कुल भी फटेगा नहीं। और ये देखिए हमने मसाले को पीस लिया जो कुछ ऐसा दिख रहा है। इतनी देर में आपका चिकन भी हर तरफ से फ्राई हो चुका है। अब इन सारे चिकन को आप लोग अलग निकाल के रख लीजिए क्योंकि हमें उस बर्तन का इस्तेमाल करना है अभी अपने मसाले को पकाने के लिए। तो चलिए अपने बटर चिकन को तड़का देने के लिए कुछ ड्राई मसाले तैयार करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे 1/4 स्पून हल्दी पाउडर, फिर उसके बाद 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1.5 चम्मच बटर चिकन मसाला जो आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा।
फिर हम लोग डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च तकरीबन एक चम्मच, आधा चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा पानी, और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए कुछ ऐसे। ये देखिए, अब तड़के के लिए आपका मसाला तैयार हो चुका है। अब जिस बर्तन में आपने चिकन को फ्राई किया था, जो ऑयल उसमें एक्सेस था ना, उसमें ही ये मसाला डाल दीजिए और इन सारी चीजों को मिलाते रहिए चम्मच से। एक चीज ध्यान दीजिएगा, रिफाइंड ऑयल और बटर जो आपने यहाँ पे छोड़ा था वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। कुछ देर के बाद मसाला आपका तैयार होने लगेगा, बस इसको चलाते रहिए। अब आपका मसाला तैयार हो चुका है और जो आपने मिक्सर जार में मसाला तैयार किया था वो इस मसाले में मिला दीजिए और इन सारी चीजों को भी अच्छे से एक दूसरे के ऊपर मिला लीजिए। हल्के हाथ से चलाते रहिए ताकि आपका मसाला जले ना, और फिर कुछ देर के बाद महज 2 मिनट के लिए इन मसाले को बंद करके रख दीजिए ताकि सारा अरोमा और सारी खुशबू मसाले के अंदर मिल जाए। ये देखिए, अब आपका मसाला तैयार हो चुका है। देखिए, इसको पकने में ज्यादा वक्त इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी आपका मसाला हर जगह से तैयार होके ही आ रहा था। ये देखिए, आपका मसाला तैयार हो चुका है। इस मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम लोग इसमें चिकन डालेंगे, जो चिकन आपने अलग निकाल के रखा था, और इन सारी चीजों को भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब जरा सा नमक डाल दीजिए क्योंकि ये नमक जो है वो ग्रेवी का नमक है। 15 मिनट के लिए महज अपने बर्तन को बंद करके रख दीजिए ताकि सारा मसाला आपके चिकन में मिल जाए। और ये देखिए, चिकन ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, यानी कि आपका चिकन रेडी हो रहा है। बस कुछ ही देर में आपका चिकन रेडी हो जाएगा। और ध्यान दे कि अपने बटर चिकन को थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें, वरना आपका बटर चिकन नीचे से जल भी सकता है। अब ग्रेवी आपको गाढ़ी चाहिए या पतली, अपने हिसाब से पानी मिला सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि पानी गर्म होना चाहिए। भाई, हमारे यहाँ ग्रेवी गाढ़ी खाई जाती है, इसलिए हम लोगों ने पानी कम डाला। आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। कुछ देर के लिए, यानी कि महज 15 मिनट के लिए बर्तन को ढककर रख दीजिए और चिकन के गलने का इंतजार करिए। ये देखिए, आपका बटर चिकन रेडी हो चुका है। अब इसमें गार्निशिंग के लिए डालिए ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी और इन सारी चीजों को आपस में मिला लीजिए। भाई, आपका बटर चिकन रेडी है। सर्व करने के लिए, किसी को खिलाने के लिए, खुद खाने के लिए, किसी को भी खिलाइए, कोई भी आपकी तारीफ किए बिना रुकेगा नहीं। जी हाँ, मेरा आपसे वादा है कि बटर चिकन आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी तारीफ होगी ही होगी।